जिसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं, इज्जत के साथ रोटी कमाते हैं और मुश्किल से कमाते हैं, तो वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है उनसे हम लेंगे, और वो लोग जो अल्लाह की जमीन के ऊपर अपने बच्चों को इज्जत से पालने की कोशिश कर रहे हैं, के अंदर हीटर लगा है, वो लोग जिनके आगे पीछे डाले चल रहे हैं, वो कीमत अदा करें। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं, इज्जत के साथ रोटी कमाते हैं और मुश्किल से कमाते हैं, तो वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है उनसे हम लेंगे, और वो लोग जो अल्लाह की जमीन के ऊपर अपने बच्चों को इज्जत से पालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मां बाप की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दवा लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी जिंदगी में सहूलत पैदा की जाए, उनकी जिंदगी आसान की जाए, ये है हमारी पॉलिसी। ये पॉलिसी आपको हर चीज में अब नजर आएगी। दो चीजों में तो मैं आपको दिखा चुका हूं, अब आप हमें 6-8 हफ्ते और दें फिर हम तीसरा प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो ये पॉलिसी अब इसी तरह चलती रहेगी, जब तक हम हैं, नहीं रहेंगे तो नहीं होंगे। जब तक हैं, जब तक हैं, अल्लाह ने अगर कर्म किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो एक घंटा है, एक महीना है, एक साल है, एक दिन है, पॉलिसी यही रहेगी कि अमीर को टैक्स करेंगे, गरीब की जिंदगी में सहूलत पैदा करेंगे। अब ये दो पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है, और ये भी मैं बता दूं, दोबारा बता दूं, कल हमने 50 कहा था, रात को प्राइम मिनिस्टर ने 100 का कह दिया है। ये मैं दोबारा बताना चाहता हूं, हमें टारगेट दे दिया गया है कि अमीर और गरीब के दरमियान का फर्क 100 का होना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा की और